और ज्वाइन करने के बाद अपने आप में क्या बदलाव देखा? सर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या था, हम चीजों को रख लेते थे, बस रख कर जो है पेपर दे दिया, थोड़े दिन बाद वो भूल गया। अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद हमारे अंदर ये फर्क आया है कि जो हमारे सिलेबस है, जितना भी ये यूजीसी नेट का हो गया या DSSB का हो गया, वो अब हमें टिप पे हो गया है। अब ये है कि कभी पेपर आए तो एक बार उठाओ और उसको कर लो, बस वो चीजें अब टिप पे हो गई हैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। पहले आती थी कुछ एक, लेकिन रख के कर लिया, थोड़े दिन बाद वही भूल गया, फिर दोबारा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पर अब ऐसा नहीं है, 5-7 दिन में जो है हम अपना साहित्य पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रथम पत्र खास करके जिसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पूछा जाता है, उसकी तैयारी किस तरह की और हिंदी साहित्य की तैयारी किस तरह की, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ जी सर, हिंदी साहित्य में तो मैंने सिर्फ वही किया था जो आपने पढ़ाया था, उसको डेली के डेली अपना काम करना। और जैसे हफ्ते बाद आप सैटरडे को अपनी होती है मीटिंग, ठीक है, उसमें हमारा सारा रिवाइज हो जाता है। संडे को फिर अगर टाइम मिले तो फिर उसको रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज किया है। और व्याकरण में वही पढ़ी थी जो आपने करवाई थी, उसको बार बार रिवाइज किया है। बाकी जो फर्स्ट पेपर में रीजनिंग और मैथ, उसको बार बार प्रैक्टिस किया है, आपने रीजनिंग अच्छे से करवाई हुई है, उसको हमने बार बार रिवीजन करके अच्छे से कर लिया था। और जीके थोड़ी बहुत हमें पहले आती थी, थोड़ी बहुत और पढ़ी थी और थोड़ी सी छोड़ दी थी, और थोड़ी हिंदी और ये इंग्लिश और जीके हमने कम की थी, बाकी चीजों पे कमांड अपनी बना ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा